शोएबा दीपिका। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ ब्रोकली सूप, क्रीम ऑफ ब्रोकली भी आप कह सकते हैं, जिसके लिए मैंने ली है ब्रोकली 2 कप। इसको मैंने अच्छे से धो के कट किया है। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग 1 टीस्पून हमारा जाएगा कॉर्नफ्लावर। 1 मीडियम साइज का हमने लिया अनियन चॉप करके रफली। 2 से 3 टेबलस्पून हमने ली है बादाम, इनको मैंने लांच करके पतला पतला काट लिया है, इनका छिलका उतार के। 1/4 टीस्पून हमारी जा रही है व्हाइट पेपर, अगर आपके पास व्हाइट पेपर नहीं है तो आप ब्लैक पेपर भी यूज कर सकते हैं। 5 से 8 गार्लिक। 2 टेबलस्पून हमारा जा रहा है फ्रेश क्रीम। 1 टेबलस्पून हमारा जाएगा मक्खन। 1/2 कप जा रही है हमारी पालक, अगर आप पालक नहीं यूज करना चाहते तो आप इसकी जगह धनिया भी यूज कर सकते हैं, फ्रेश कोरिएंडर यानी कि हरा धनिया हमारा 1/2 कप। ये हमारे कलर को एनहांस करेगा, ग्रीन कलर को ब्रोकली सूप। 3 कप ले रहे हैं हम पानी। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई में डालेंगे अपना पानी जो हमने लिया 3 कप। इसी के साथ इसमें डालेंगे हम अपना पालक, हमारी ब्रोकली, अनियन यानी कि प्याज हमारा जो हमने चॉप किया हुआ है, गार्लिक और हमारा नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। अब इसको हम बॉईल होने देंगे 5 से 7 मिनट्स के लिए हाई फ्लेम पे ही। ये हमारे 5 मिनट्स हो गए, इसको कर रहे हैं हम बंद। अब इसकी बनाएंगे हम एक पेस्ट, सबको हम मिला के पानी के साथ ही इसको हम पीस लेंगे और उसका बनाएंगे पेस्ट। ये हमने अपना सारा बैटर पीस लिया है, बिल्कुल फाइन पेस्ट बना लिया इसका। अब हम लेंगे पैन और पैन में अब हम डालेंगे बटर। यहाँ पे मैं अमूल का सॉल्टेड बटर यूज कर रही हूँ, आप चाहे तो कोई भी बटर यूज कर सकते हैं। और मैं एक चीज बताना भूल गई थी, साथ में इसके हमने ऐड करना है मैगी का मैजिक क्यूब। मैगी का आता है वेजिटेरियन है, इसमें 2 आते हैं, उनमें से हम लेंगे 1 अपने सूप के लिए। अगर आपको मैगी का मैजिक क्यूब नहीं मिलता है तो आप इसकी जगह ब्रॉथ पाउडर जो आता है वो भी यूज कर सकते हैं 1 टीस्पून। इसमें डालेंगे हम अपना बैटर जो ये मक्खन है, साथ में इसके ऐड करें हम पेपर पाउडर यानी कि व्हाइट पेपर जो हमारा था और हमारा मैजिक क्यूब। साथ ही में हम इसके डाल रहे हैं अपने आलमंड जो हमने चॉप किए हुए थे ब्लांच करके, और जो हमारा कॉर्नफ्लावर है के अंदर डालेंगे हम 1/4 कप हमारा पानी और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और जब हमारे सूप में बॉयल आ जाएगा दोबारा, उसके बाद हम इसको ऐड करेंगे। अभी हमने मिक्स करके रख लिया हमारा कॉर्नफ्लावर और पानी को। तो आपकी सूप की थिकनेस है वो आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 3 कप पानी लिया, आप चाहे तो 2 कप भी ले सकते हैं। अगर आपको थिक सूप पसंद है और थोड़ा थिन सूप पसंद है तो आप 3 से बढ़ा भी सकते हैं। ये हमारे सूप में बॉयल आ गया है। अब इसके अंदर डाल रहे हम अपनी कॉर्नफ्लावर की स्लरी और इसको अच्छे से बॉयल करेंगे। इसको अब हम 4 से 5 मिनट अच्छे से कुक करेंगे। हमारे 4 से 5 मिनट हो गए। अब इसमें ऐड कर रहे हैं हम अपनी क्रीम। अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा कलर डार्क चाहिए तो आप इसके अंदर ग्रीन कलर ऐड कर सकते हैं, वो टोटली ऑप्शनल है। और अगर आप घर के लिए बना रहे हैं तो ग्रीन कलर ऐड मत। इसको देंगे हम एक और बॉयल और हमारा सूप रेडी है। ये हमारा बॉयल आ गया है, फ्लेम को कर रहे हैं बंद। ये हमारा क्रीम और ब्रोकली सूप तैयार है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर रेसिपीज। थैंक यू।